सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन का बटन दबाएं और प्रेस करें। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम भीगी हुई चने की दाल लेंगे, 2 कटोरी, बारीक कटा हुई हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, और रोटी की तरह आटे को मैश कर लेंगे। हमने पहले से कर रखा है। अब दाल को हम मिक्सी में लेंगे। दाल को हम मिक्सी में करके इसमें लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। अब मिक्सी को हम चला लेंगे। एक बार मिक्सी बंद करके देख लेंगे दाल सही से पिसी है कि नहीं पिसी। फिर से दोबारा चलाने के बाद में अब दाल को अलग निकाल लेंगे। दाल को अलग निकाल अच्छे से निकालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, हरी धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हींग हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको हम मिक्सचर को एक किनारे अलग रख देंगे। अब हम पैन लेंगे। पैन में हम तीन कटोरी पानी डाल देंगे। मैंने अंदाज से डाल दिया है, आप अपनी फरे की क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें। उसमें 1 चम्मच नमक, 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड, 2 चम्मच सूखा आटा, 1/2 चम्मच अच्छे से इसको तेज आंच में चलाते रहेंगे। इसको बराबर इसलिए चलाते हैं जिससे कि आटे की गोलियां ना बने।
जब ये बॉईल हो जाए तो इसको धीमी आंच में पकने दें और उतनी देर में हम यहाँ पे पूड़ी की तरह छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये ज़्यादातर बड़े करवा चौथ में बनाए जाते हैं, अधिकतर लोगों के यहाँ, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। छोटी छोटी पूड़ियाँ इस तरीके से बनाने के बाद में हम इसमें पूड़ी के हिसाब से दाल भरेंगे और गुजिया की तरह इसको हम अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि ये पानी में गुजिया खुले ना। ये हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई। अब हम इसी तरीके से बाकी बची हुई पूड़ियों की भी गुजिया बना लेंगे। बाकी ये गुजिया भी आपकी बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको हम इधर जो हमारा बॉयल पानी हो रहा था उस में पैन में हम किनारे से इसको इन गुजियों को धीमे धीमे करके डालेंगे। इन गुजियों को धीमे धीमे करके डालेंगे। और इसको 10-15 मिनट के लिए हम ढककर धीमी आंच में छोड़ देंगे। 10-15 मिनट बाद हम इनको फिर से पलट कर देखेंगे और कोई पेंट या नुकीली चीज़ से देखेंगे। अगर उसमें दाल चिपक कर नहीं आ रही है तो ये बनकर तैयार हो गई है। ये लीजिए, टेस्टी टेस्टी फरे आपके लिए तैयार हैं। फरों को हम नाश्ते के भी रूप में बना सकते हैं। नाश्ते के लिए हम फरों को अलग निकाल कर रखेंगे और उनको इच्छा हो तो पानी से धुल लें, नहीं तो ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। नाश्ते में भी बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे पीस में ये हमारे फरे कट गए। अब हम पैन लेंगे। पैन में हमने रिफाइंड डालना है। थोड़ा रिफाइंड डालकर इसमें थोड़ी राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा,
आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, डालने के बाद फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाला भुन जाए तब हम इसमें ये फरे पीसेस डाल देंगे और इनको मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। फ्राई जब तक करेंगे जब तक ये सुनहरे गोल्डन कलर में कुरकुरे कुरकुरे ना हो जाएं और ये तेल ना छोड़ दें। धीमी आंच में हमने फ्राई करा है और ये हमारे तैयार हो गए सुनहरे कुरकुरे फरे नाश्ते के लिए। अब हम इनको सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये सर्व हो गए। ये लीजिए टेस्टी नाश्ता।